तो मैं सामने जाके देखाऊंगा जन्नत। अरे बाबा, ये देख सकते हो गाइस साथीहरु, यो पुरा देख्न सक्नुहुन्छ हैन, मौरी पुरा घुमिरहेछ। यति डेन्जर छ नि, यता यता पनि थियो कि पहिला आउँदा चाहिँ, तर अहिले चाहिँ डराइराख्नु भएको होला, तर आउँदा मिल्छ, जति मिल्छ त्यस्तो केही हुँदैन, बाटामा लफ्टाहरू केही हुँदैन, हामी त्यो रस्ता भएर जानुपर्छ होइन। चोटान चाहिँ यता छ, यता माथि चोटान छ, यता चाहिँ रस्ता छ होइन, माथिबाट ढुङ्गाहरू पनि त गिर्न सक्छ, यता पनि धेरै ढुङ्गाहरू गिरेको छ होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक यहाँनिर चाहिँ सेफ्टी भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यहाँनिर भर्खरै गिरेको ढुङ्गा पनि छ, यहाँनिर पुग्न पनि आँटिसक्यौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हेरौँ, धेरै साल 3-4 साल बादमा आएको नि त म चाहिँ, अब यस्तो चट्टानको फेरि फेरि हिँड्दा क्या मजा हुन्छ है। पूजा कुछ इस तरह से किया हुआ है इधर में हम लोग ने। गाइस आप लोग भी, गाइस ऐसा रास्ता होते हुए जाना पड़ता है, पूरा पहाड़ है रास्ता भी। हेलो गाइस, अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लागेको ठिक्क वाटरफलको मुनि छौँ, अब यहाँदेखि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबको हमारे आरबी छेत्री यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज चाहिँ हामी हैन यहाँ देखि लगभग 4-5 किलोमीटर खुट्टाले जाने पर्ने हुन्छ, महादेव थान हो, वहाँबाट हामी चाहिँ पूजा गर्नको लागि जान आँटेको। अनि त्यहाँदेखि एउटा वाटरफल पनि त्यहाँ राम्रो छ, हो त्यो पनि घुम्ने हो, म हजुरहरूलाई पनि घुमाउने छु। त्यसै लागि हाम्रो आज यहाँ चाहिँ लगभग 4-5 किलोमिटर यसै पैदल जानेवाला है, वहाँ पे पूजा वगैरह गर्ने का जग्गा है, और एक बहुत अच्छा सा वाटरफल है, मैं आप लोग को वो भी घुमाऊंगा और उधर का दर्शन भी कराऊंगा। गाइस आप लोग मेरा वीडियो को पूरा एंजॉय कर लीजिए, आज का वीडियो मिस मत कर लीजिए। तो गाइस अभी हम लोग इधर से 3-4 बंदे जाने वाला है, निकलने वाला है वहाँ के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय कर लीजिए। गाइस तो अभी हम लोग रेडी हो चुका हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, पूजा का सामान मैंने ये बैग में डाला हुआ है, तो मेरा दोस्तों का भी बैग है, वो लोग भी पूजा का सामान सब कुछ खाने के लिए सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, हाँ खा के पूजा करने से कहने, इसलिए हम लोग अभी कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिया है। तो वहाँ पे जाके पूजा करने के बाद में हम लोग खा के आऊँगा, लगभग आने का टाइम में तो 2-3 तो बच जाएगा। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग को शुरुआत कर लेते हैं। देख लीजिए आज भी मैं भैया का घर का रूम से ही वीडियो शुरू कर रहा हूँ गाइस, तो फिर मैं आज अपने दादा को रूम बड़े वीडियो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ नर्सरी राम्रो जग्गा छ नि, त्यसै कारणले गर्दा फेरि म यहीँबाट भिडियो बनाउँछु जहिले पनि। ल गाइस अब भिडियो सुरु गरौँ, अब हामी यहाँदेखि निस्किन्छौँ, त्यसपछि कस्तो हुन्छ के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै बताउँछु र देखाउने पनि छु, घुमाउने पनि छु, दर्शन पनि गराउने छु है। ओके गाइस, गाइस आजको भ्युज चाहिँ यस्तो रहेको छ होइन, एकदम बब्बे छ होइन, म माथि गएर पनि तपाईँहरूलाई माथिको भ्युज पनि एकदम देखाउने छु। अनि मेरो साथीहरू चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ, उहाँ चाहिँ मगर हो, अनि यो चाहिँ मेरो भाइ हो, मेरो भाइ मतलब मेरो छिमेकीको भाइ, छिमेकी भाइ हो, अनि यो चाहिँ दादाको घर। हेलो पुक्कु, हाई घर पुक्कु बेबी, यो चाहिँ जेकी हो हामीहरूको, नि जेकी हामीहरूसँग जान खोज्छ तर यसलाई लाने होइन, किनभने हराउँछ नि त भरे आउँदैन। ल मलाई त हामी गएको ल पुक्कु गयौँ, ल हुन्छ पुक्कु। ल अब चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि चाहिँ निस्किसक्यौँ होइन त गाइस, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, बस्ती हो। आज चाहिँ मैले माइक नलगाएको कि, किनभने हिजो माइकले मलाई हल्का धोका दियो नि त, कहिले अफ भएछ त्यही भएर आवाजै आएको थिएन। हामीहरू जानुपर्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई ठुक्क देखाइदिन्छु होइन, यहाँदेखि देखाइदिन्छु एक्ज्याक्टली, यहाँदेखि चाहिँ देख्छ, ल्याइदिनु भएछ छ मसँग पनि। यो माथि जुन डाँडा छ नि, यो डाँडा यसको ठिक्क मुनि हुन्छ क्या, यसको ठिक्क मुनि मतलब हल्का त्यसदेखि अलिकति मुनि मात्रै हो, यहाँदेखि जानुपर्ने लगभग 5 किलोमिटर त छ होला, म्याक्सिमम 5 किलोमिटर छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ ठक्कसँगले आधा रास्तामा होइन माथि पुगेपछि फेरि देखाउने छु, ठक्क होइन हाइपी आइपुगेको छौँ। हाइपी चाहिँ वान अफ द मोस्ट क्लिनेस्ट प्लेस भनौँ न, क्लिनेस्ट भिलेज, यति सफा छ नि गाइस। अब हाम्रो हाइपी पहुँच चुका हौँ, देख्लो हाइपी मेन कागजको टुक्रा एक दिनै मिल्दा रास्तामा, इतना क्लिन है, मणिपुरमै 7 नाइ 6 आता है क्लिनेस्ट प्लेसमै। तो हाइपीको नजारा कुछ इस तरह है, देखो इतना अच्छा से पेड़ लगाए हुआ है, ये कटहल है, कटहल इतना अच्छा होता है, इतना मीठा होता है। इधर में ठीक एक ग्राउंड है, स्कूल है और कमिटी हॉल, इधर में चर्च है
और ये साइड में ना चर्च बन रहा है अभी, मेरा दोस्त लोग दुकान गया हुआ है उधर में रेड बुल लेने के लिए, क्योंकि हम लोग ने कुछ खाया पिया खाया नहीं ना, तो रेड बुल खाने से थोड़ा बहुत एनर्जी आता है, तो इसलिए हम लोग अभी रेड बुल पीना है। तो दो भाई चला गया है उधर में रेड बुल लेने के लिए, मैं अभी उधर में वीडियो बना रहा हूँ। तो हाइपी का नज़ारा कुछ इस तरह है, इसमें इधर से भी दिखाऊंगा आप लोग को ये हाइपी का नज़ारा। हाँ साथियों, मेरे चाहिँ कतिजना साथीहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ के क्यामेरा क्वालिटी बढाऊ क्यामेरा क्वालिटी बढाऊ भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त। अब मसँग अहिले चाहिँ खासै पैसा छैन होइन क्यामेरा क्वालिटी बढाउनको लागि, र पनि म कोसिस गर्नेछु अलिक पछि पछि तपाईँहरू साथ सपोर्ट चाहिँ बढाइराख्नुहोस् मलाई होइन, साथ सपोर्ट गरिदिइराख्नुहोस्, अब कुनै दिनहरू पनि योभन्दा पनि राम्रो क्वालिटी क्यामेरा ल्याउन सकौँला सक्छु होला तपाईँहरूको अगाडि, र तपाईँहरूलाई राम्रो राम्रो जग्गा पनि घुमाउने छु। आजको भिडियो चाहिँ एकदम विशेष हुनेछ कि, किनभने हामीहरू यो डाँडामै पुग्नुपर्नेछ नि त। अहिले त हामी लगभग तिन भागमा एक आधी भाग पनि हिँडेको छैनौँ, अझै बहुत बहुत माथि पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भिडियो चाहिँ एकदम मजाले इन्जोय गरिदिनुहोस्, लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सेयर कमेन्ट्स सब्सक्राइब सबै सबै थोक गरिदिनुहोस्, किनभने मेरो भ्युसै आइरहेको छैन नि त। अब अस्ति मैले थुप्रै ग्याप गरेँ भिडियो हाल्न पाइनँ नेट नभएको कारणले, अब चाहिँ भरिसकेँ म कन्टिन्युस भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। अब त्यस्तै हो गाइस, म अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि माथि पुगेर चाहिँ भेट्नेछु। अब चाहिँ हामी ठक्कै जङ्गल घुसिसकेको छौँ होइन, अब यस्तो बाटो हुँदै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, यो त अहिले त ठिकै छ, भरे माथि नदी धेरै खेप तर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि, म चाहिँ अघि आइसकेँ होइन, साथीहरू चाहिँ त्यहाँनिर छ, अनि म चाहिँ भिडियोको लागि अलिकति अघि आएको नि त, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मेरो साथीहरू झोला मिलाउँदैछ होइन, ब्याग म्यानेज गरेर आयो हो लोक। तो अभी मैं थोड़ा अगे आ चुका हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए, तो अभी हम लोग का यात्रा शुरू हो रहा है यहाँ से, लगभग हम लोग 1 किलोमीटर तो आ ही चुका हूँ, तो यहाँ से और हम लोग को 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो ऐसे पैदल जाना होगा, ऐसे छोटा रास्ता होते हुए। तो मेरे दोस्त लोग वहाँ पे आ रहे है, अब जी भाई हमारे का हालत हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, पूरा बुरा हालत भइसकेको छ, हमीर को देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हालत भइसक्यो, लगभग हाम्रो आदि चाहिँ आइपुगिसक्यौँ, त्यो चट्टान हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँदेखि चट्टान सुरु हुन थालेको छ, यस्तो यस्तो चट्टान बहुत धेरै जग्गा छ, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु, यहाँको भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ नदी छ है, यही नदीको शिरमा जाने हो हामीहरू चाहिँ, लगभग अब आदि चाहिँ आइपुगेको छौँ, यस्तो बाटो हुँदै होइन, यस्तो बाटो यसा यसा रास्ता होते हुए हाम्रो आ रहा है अभी, तो लगभग आधा हो चुका है, हम लोग आधा पहुँच चुका हूँ अभी। सत्य हो गाइस, ये चेक कर सकते हो गाइस, इतना भयानक है, पूरा चट्टानी चट्टाने सारे जगह, यहाँ से ऊपर चट्टानी चट्टाने, रोड का कंडीशन कुछ इस तरह है, पूरा हम लोग का बुरा हाल हो चुका है गाइस, बाप रे बाप रे, मैं तो अभी चल ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी क्या करें, जाना पड़ेगा ना भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो हालात इसको है तो गाइस। ल म अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि अलिक माथि पुगेर मात्रै देखाउने छु, किनभने मसँग बोल्ने एनर्जी नै छैन कि। अब हामीहरू चाहिँ टक्कै यहाँ रेस्ट गरेको छौँ होइन, लगभग 5 मिनट रेस्ट गर्छु, त्यसपछि फेरि पैदल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, हाम्रो अब यदरमा सिर्फ 5 मिनटको लिए रेस्ट गरेर हौ, उसको बादमा फेरि यसा रास्ता होते हुए हाम्रो पैदल जाना होता है, और भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 किलोमीटर और जाना है हम लोग को, मैंने बोला था 5 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि रास्ता ख़राब है ना, पूरा चढ़ाई है नीचे ढलान है, ऐसा होते हुए जाना पड़ता है गाइस। आप लोगों मैं भोलेनाथ का दर्शन करा के ही रहूँगा गाइस, आज किसी भी हालात पे आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भाग लीजिए, पूरा वीडियो को इन्जॉय कर लीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर जाऊँगा, और उसके बाद में मैं और बड़ा सा चट्टान है ऐसा वाला चट्टान, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को इन्जॉय कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आप लोग को फिर वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों अब पूरा चट्टानै चट्टानको रोड भएर जानुपर्ने अवस्था छ हाम्रो होइन, साथीहरू चाहिँ यहाँ आउँदैछन् यहाँ आउँदैछन्, यो माथिको चट्टानमा चाहिँ के भन्छ मधुमक्खी, जङ्गलको मधुमक्खी हुन्छ होइन, म तो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन, अब हाम्रो एकदमै थोरै देर रेस्ट गरेर पानी पनि पिएँगे, ये मगरको हालत देखो पुरा पसिना पसिना हो रखा है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, पुरा जुम गरेर देखाउँदैछु म, पुरा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मौरी पुरा घुमिरहेछ, यति डेन्जर छ नि, यता यता पनि थियो कि पहिला पहिला आउँदा चाहिँ, तर अहिले चाहिँ रहेन छ, किनभने अहिले जाडो मौसम हो नि त, त्यसैले गर्दाखेरि छैन, यहाँ मात्र रहेछ एकै जग्गामा, तर थुप्रो छ, अब चाहिँ यस्तो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ, अब यो खोलालाई
मैक्सिमम मिनिमम पनि 5-6 खेप्ची तर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यो ढुङ्गाहरु चाहिँ बहुत चिप्लो छ के, मज्जाले ध्यानले टेकेर जानु पर्ने हुन्छ। फेरि अर्को चट्टानमा आइपुगेपछि त्यो चट्टान हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, वहाँ परदेखि सुरु भएको छ चट्टान। उच्च पनि बहुत उच्च छ होइन, माथि सबिन्छ, यता माथि पनि पुरा माथि सबिन्छ क्या। यसको फेरि यस्तो रस्ता भएर जानुपर्छ होइन। चट्टान चाहिँ यता छ, यता माथि चट्टान छ, यता चाहिँ रस्ता छ होइन। माथिबाट ढुङ्गाहरू पनि त गिर्न सक्छ, यता पनि धेरै ढुङ्गाहरू गिरेको छ होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक यहाँनिर चाहिँ सेफ्टी भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँनिर भर्खरै गिरेको ढुङ्गा पनि छ, यहाँनिर ढुङ्गा गिरेर लाग्यो भने चाहिँ फेरि इन्जुर पनि हुन सकिन्छ र मर्न पनि सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक आफै सेफ्टी भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। लगभग अब हामी चाहिँ पुग्न पनि आँटिसक्यौँ होला त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हेरौँ, धेरै साल 3-4 साल बादमा आएको नि त म चाहिँ। अब यस्तो चट्टानको फेरि हिँड्दा क्या मजा हुन्छ है। उहाँ आउँदैछ गोर्खेहरू एकदम सिंहले। ल साथी हो, अब चाहिँ भने हामीहरू लगभग आइपुगिसक्यौँ। यहाँ पनि रहेछ मौरी चाहिँ, जङ्गली मौरी भन्छ यसलाई चाहिँ, भिर मौरी। यो चाहिँ भिर मात्रै बस्छ, मेरो साथीहरू चाहिँ यहाँ छ। हेलो ब्रो, हाई गर न यार। मगर हालत खराब भएर आइपुग्यो, कति जग्गा त रस्ता पनि हरायो, रस्ता पनि थिएन, हामीले पेल्दै पनि आयौँ। अनि तपाईँहरू यो साइड चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो साइड आप लोग चेक गर लिजिएगा। इतना भयानक है, इतना खतरनाक है। माराथन लगभग हम लोग पहुँच चुका हूँ। यहाँ से ऊपर और भी जाना है हम लोग को, लगभग 500-600 मीटर ऐसे जाना है और भी। बीच में रास्ता भी गायब हुआ था, हम लोग को इतना मुसीबत आया, इतना दिमाग खराब हुआ। ये एक करंट वाला प्लांट होता है ना, वो भी बहुत लगा, दर्द हो रहा है अब तक भी। सीस नए ये पोलो ने साथी, हालत खराब भो। तब ये हेन सकूँ है, यहाँ तल चाहिँ नदी छ, नदीको ठिक सामनेबाट चाहिँ पहाड सुरु हुन्छ क्या। चट्टान यस्तो चट्टानै चट्टान छ, माथिसम्म नै यस्तो चट्टानको बाटो हुँदै जानुपर्ने छ, रिक्सी छ। तपाईँले भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् मजाले। यो मौरी देख्न सक्नुहुन्छ, यहीँसम्म मौरी गनाइरहेछ क्या। कता छ भन्नु, यहाँबाट भट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ चट्टा देखिरहेको कि, यहाँमाथि चाहिँ निकालेर खानु जस्तो भइरहेछ, तर भने निकाल्न डर हुन्छ नि त, यस्तो डेन्जर छ। अब हामी एकैचोटि माथि महादेव थान एक्जेक्ट पूजा गर्ने ठाउँमा गएर मात्रै म तपाईँहरूलाई भेट्ने छु साथी हो। यस्तो रस्ता हुँदै जानुपर्ने छ, रस्तै छैन क्या। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथिबाट पुरा पानी गिर्दैछ होइन, बटङटङ। मेरो फोनको क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ राम्रो नभएर चाहिँ त्यति खास देखिएको छैन, र पनि पानी झर्दैछ मजाले। यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्युज देखिँदो रहेछ के, इधर चाहिँ इतना अच्छा भ्युज देखाइदिएर है गाइस। आप लोग देख सकते हो, अभी ऐसा रास्ता होते हुए जाना पड़ता है हम लोग को, पूरा नीचे हो गया। माथा भी खड़ा ऊपर करना ही सकते है, लाग जाता है ऊपर में, तो इतना दिमाग खराब हो रहा है। फिर भी क्या करें, भोलेनाथ का दर्शन करना ही पड़ेगा हम लोग को। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुका हूँ महादेव थान। हर हर महादेव। इधर से आप लोग देख सकते हो व्यूज कुछ इस तरह है गाइस, चट्टानी चट्टान, डेंजर ही डेंजर। बारिश गिर रही है, उधर से पानी आ रहा है। तो देखो मैं कितना ऊपर एक चट्टान का टॉप में जाके बैठा हूँ अभी, इधर में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से नीचे गिर गया तो हो जाएगा फिर हालत खराब, इतना ऊपर में हूँ मैं, यति माथि बसेको छु। पानी खाने बेला भइसक्यो, अब हाम्रो चाहिँ होइन भोक पनि लागिसक्यो नि त। हामीहरू 8 बजी हिँडेको, अहिले लगभग 10 बजिसक्यो, 11 बजी नआटिसक्यो। अब पूजा गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ मास्तिर हुन्छ होइन, हामी पूजा गरेको नि भिडियो बनाएर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। ल साथी हो, अब चाहिँ हामीहरू महादेव थान पुगिसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, मान्छेहरू त पहिले पनि आइसक्नु भएको रहेछ होइन, त्यसैले हामीले रस्ताहरू अलिक राम्रै पायौँ। यहाँदेखिको नजारा चाहिँ यस्तो खालको छ के। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ चट्ट पूजाहरू गर्छौँ, पूजा गरेको नि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यो रस्ता भएर आएको थियौँ हामीहरू चाहिँ। अब यहाँदेखि माथि चाहिँ वाटरफल छ के, हामीहरू पूजा गरिसकेको बादमा चाहिँ हामी वाटरफल गरेर पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। हाम लोग अभी यहाँ पे पूजा करना है, पूजा करने का बाद में हम लोग वाटरफल की तरह जाते हैं, और वाटरफल का नजारा भी आप लोग को दिखाऊंगा। इधर में मगर है और इधर में भाई है, तो हम लोग अभी यहाँ पे पूजा करना है। आप लोग देख सकते हो कितना डेंजर चट्टान है, पूरा इधर तक है चट्टान, और हम लोग इस गुफा पे पूजा करना होता है गाइस। तो फिर मिलते हो पूजा के टाइम पे। यो है गाइस, यहाँ से
पहिले पनि पूजा गरेको छ सात मान्छेहरुले हैन पूजा गरिसक्नु भएको छ अब हामीले पनि यही पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ महादेवको नजर चाहिँ यस्तो खालके छ कुछ अलिक खतरनाक खालको छ इधर में पूजा करने के लिए जगह है गाइस लेकिन इधर में थोड़ा रिस्क भी है देखो चट्टान वहाँ तक गया हुआ है तो हम लोग अभी इधर में पूजा वगैरह करना है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा गाइस यो चाहिँ हैन यो फोटो चाहिँ पहिला हामी को भाउजू ने यहाँ पैसा लगे जानु भएको रहेछ कि मान्छेले चढाएको पैसा नि त अनि हो तो पैसा को म एउटा फोटो बनाएर ल्याएर राखिदिन्छु भनेर भाकल गर्नु भएको थियो रहेछ नि त अब यहाँ पैसा यतिकै राखिदिए त अब पानीले भिज्छ बिग्रिन्छ त नाश हुन्छ नि त त्यही लागि त्यो पैसा चाहिँ भाउजूले लग्नु भएको रहेछ र यो शिवको मूर्ति चाहिँ फोटो चाहिँ फ्रेम बनाइदिएर घरमा राखिदिनु भएको रहेछ म आएको हुनाले मैले आज लिएर आएको होइन यहाँनिर अब म यो फोटो यहाँ चट्टो राखेर पूजा गर्छु है अनि त्यसपछि फेरि भेटौँ गाइस हामीले चाहिँ यस्तो तरिकाले पूजा गरिसकेको छौँ यहाँनिर चाहिँ होइन यस्तो टाइममा पूजा गरेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउने छु कुछ इस तरह किया हुआ है गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने घर से ल्याया था तो पूजा कुछ इस तरह से किया हुआ है इधर में हम लोग ने गाइस आप लोग भी इधर में आके पूजा कर सकते हो अभी कोई डरने का कोई नहीं है आप लोग आराम से आके इधर में बिंदास पूजा कर सकते हो और भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हो तो यही हो हामीले चाहिँ पूजा यस्तै टाइममा गर्यो जाने नजाने पनि यसरी नै गरियो होइन अब हामी यहाँदेखि पनि अझै माथि पनि जानेछौँ यहाँ माथि पनि छ होइन पूजा गर्ने ठाउँ त्यहाँ पनि पूजा गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी वाटरफल जानेछौँ है गाइस यसै रास्ता हो त्यो जानु पर्छ है पुरा पहाड है रास्ता अब यसै जग्गामा ऐसा जगह होते हुए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हूँ गाइस महादेव के लिए स्वीप और स्वीप महादेव के लिए गाइस पूरा हालात भइसक्यो साथी हो यति गाह्रो भयो नि गाह्रो त भइरहेछ अरे भने हिम्मत हारे छिनम मगर चाहिँ आउँदैछ गाइस फाइनली हम लोग वाटरफल पहुँचुका हो गाइस ये वाटरफल का नजारा तो अभी हम लोग को यहाँ पे भी पूजा वगैरह करना है तो दोस्तों की इधर में पूरा हालत खराब हो चुका है रास्ता गायब हुआ हम लोग का तो रास्ता ढूंढते रास्ता बनाते हम लोग अभी फाइनली पहुँच चुका हूँ तो अभी हम लोग पहले इधर में पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद में ये जन्नत का मजा लेते हैं गाइस तो मिलता हूँ मैं पूजा के बाद में आप लोग को हेलो गाइस अब हामीले चाहिँ यहाँ पनि लगभग पूजा चाहिँ गरिसक्यौँ होइन मगरले चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्दैछ होइन मगरले पूजा गर्दैछ भाइले चाहिँ पूजा गरिसकेर बाटो लागिसकेको छ किनभने यहाँनिर चाहिँ अलिक सेफ्टी छैन नि त ढुङ्गा कतिखेर पनि गिरेर लाग्न सक्छ भन्ने अलिकति तरासै हुन्छ क्या यस्तो खालको छ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर पूजा गरिसक्यौँ अब मगरले नै पूजा गरिसकिसकेको अवस्था छ अब हामी चाहिँ एकैचोटि होइन यहाँ तल गएर चाहिँ खानेकुराहरू खान्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हामी वाटरफलको मजा लिनेछौँ वाटरफलको नजारा चाहिँ यस्तो खालको छ होइन त फोन क्यामेराबाट चाहिँ त्यति खासै देखिएको छैन होइन म देखाउने चाहिँ पिछेबाट मजाले देखाउने कोसिस गर्नेछु उहाँले चाहिँ हामी पूजा गरेको जग्गा मगर चाहिँ यहाँ छ मगर के कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई भन त आज यहाँ आएर मलाई बहुत मजा लाग्दैछ र हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ बहुत मजा छ
मजाले पूजा पनि गरियो इन्जोय पनि गरियो अब यो 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 जन्नतको चाहिँ मजा लिनु बाँकी छ त्यो पनि हामीहरु अब ब्रेकफास्ट गर्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ यसको मजा लिने हो गाइस भिडियोमा चाहिँ बनिराख्नु होला त्यसपछि भने हामीहरु चाहिँ यहाँ हामीहरूको चाहिँ खाने बेला भइसकेको छ होइन पुरा भोक लागेर होइन मगरले चाहिँ दुध फिटेको फिटै छ एकदम सिङ्गले त्यहाँ भाइले चाहिँ केला खाँदैछ अब म पनि एकदम सिङ्गले मिठो छ मिठो छ मिठो छ खाने हो अनि यतापट्टि छ अर्कै जन्नत म फेरि मजाले देखाउँछु अहिले एकैछिनमा पहिला चाहिँ हामी पेट पूजा गर्नु पर्यो साह्रै भोक लागिसकेको छ होइन हेलो साथी हो तो अभी मैं वाटरफॉल का नजारा दिखाने के लिए जा रहा हूँ एक इधर है और दूसरा उधर में आग जला रहा है अच्छा से क्योंकि इधर में बहुत ठंडा है ना ये जो वाटरफॉल गिर रहा है ना इसका हवा इतना तेज से फेंक रहा है कि हम लोग इधर में ठंडा हवा एसी से भी ज्यादा ठंडा वाला है गाइस तो मैं सामने जाके देखाऊंगा जन्नत अरे बाबा यो देख सकते हो गाइस साथीहरु यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो बब्बे छ नि यस्तो बब्बे छ अब केटाहरू चाहिँ वहाँनिर घुस्ने कुरा गरिरहेछ के एक्ज्याक्टली यहाँ फलिङ पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको होला मगर चाहिँ यहाँ गएको छ यी हेलो मगर भाइ चाहिँ यहाँ छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ एकैछिन पनि बस्न सकिँदैन क्या जाडोले यति जाडो हुन्छ नि अनि म चाहिँ फेरि यताबाट गरेर पनि देखाउँछु कि तपाईँहरूलाई यसको नजारा चाहिँ किनभने यो त कतिजनालाई हेर्न मन परेको हुन्छ नि त होइन यहाँ तलदेखि चाहिँ पोखरी चाहिँ यस्तो छ होइन सिङ्गले गएको छ उहाँ त खे कमसेकम कति फिट छ होला यार कति मिटर होला नि इस साइड का नजारा कुछ इस तरह है पूरा चट्टान है इस साइड भी ना पूरा चट्टान है गाइस भाई जी त्यहाँ बसिराखेको अवस्था छ कतिको जाडो छ मगर पानी कतिको चिसो छ जुन पानी राख्छ नि त्यो भन्दा ठन्डा बस म चाहिँ यो झर्ना हेरेर अगाइन के कति देखाएको भन्नुहुन्छ होला होइन र नि मलाई चाहिँ कस्तो खुसी फिल भइरहेछ नि यत्रो हावा आइरहेछ नि बाबरे बाबरे चारो छ यहाँ वाटरफल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी हो होइन उहाँ माथिदेखि गिरेको छ यहाँनिर यस्तो तेज हावा आउँछ नि पानीको फोर्स नि त मलाई चाहिँ चित्तै नबुझेर होइन म त्यो नि साइड साइडबाट पनि देखाउँदैछु होइन हजुरहरूलाई पुरा अब चाहिँ धुवा उड्न थाल्यो कि किनभने बाफ के मतलब के भन्छ भने बादल निस्किन थाल्यो कि हल्का घामहरू हराउँदै गयो नि त त्यही लागि अभि त पुरा बादल निकाल्ने सुरु हो गया इधरमै क्योंकि अभि त थोडा धुप जलाइगेर यसले देख सकते हो पुरा बादल निकल रह्यो अभि तो ए भाइ लोग इधरमै पुरा घुस्के न पानी ना के आया हुआ है मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा बहुत ठंडा है फ्रिज का पानी से भी फ्रिज का पानी से भी ज्यादा ठंडा है अभी जाने वाला है मगर जाने वाला है अंदर में मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये जाके कैसे क्या करेगा महादेव का सीन कर लेंगे बोल रहे हैं पता नहीं महादेव का पूरा भक्त है ना इसलिए महादेव का सीन तो करना पड़ता है एक शॉट वहां पे एक है ये दोनों घुस चुका है इधर में ना इतना ठंडा है गाइस इतना ठंडा है पूछो मत मैं अभी इधर में कांप रहा हूँ देखो वो लोग तो पूरा घुस रहा है अंदर में तो मेरे को इधर से यहाँ पे जाना होगा चलो रे वहां पे जाके बैठने के लिए सोच रहे हैं ना वो लोग वहां पे जाके बैठेंगे ऐसे बोल रहे हैं देखते हो जा पाएगा कि नहीं पहले जाके तो फोटो तो खींचा हुआ है वो एक तो चला गया एक तो चला गया भाई कैसा हो रहा है कैसा फील हो रहा है बोलना बेटो बेटो बस इतनी मजा बने इतनी एंजॉय करियो नहीं आज हमने
यहाँ दुईटा पूरा महादेव महादेव बनी सकते अवस्था है लो निस्क्यो जाड़ो भयो के माया भी लाइस है ये जाड़ो में महादेव को भक्ति भर महादेव को पोज गरे अरे कस्तो भयो भाई एक दुटा कुरा भन्दा मगर कस्तो हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो बहुत मजा आयो और भगवान की कृपा से हम इधर में जाके ओके ब्रो हेलो गाइस अब हम यहाँ निस्कने लगे ठिक्क वाटरप्रूफ को मुनि छम अब यहाँ देखिए हम निस्कम घर तीर जाना बाटो भी खोज्ते खोज्ते जानु पर्ने अवस्था होना अभी हम लोग यहाँ से निकलने के निकल रहा हूँ घर की ओर तो अभी मैं सीधा घर पर जाके आप लोग को मिलता हूँ क्योंकि वीडियो भी मेरे को जाके एडिट वगैरह सब कुछ करना है ना आज रात को डाल रहा है ये वीडियो तो गाइस चलते हैं यहाँ से निकलते हैं घर की ओर और सीधी सी मैं घर पे जाके आप लोगों को मिलता हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली हमें घर आईपुगी सक्यम है यह घर हो अभी मैं आँदाखे भिडियो करना पाइन कि क्योंकि पूरा बाटो बिर्स बाटो हरा पूरा पेल्दै 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 आने पर्व ते कारण भिडियो करना पाइन अभी मेरे फोन में बैट्री भी खत्म भैस भिडियो करना पाइन आज को भिडियो के कस्त लगे है राम्रो प्यारो मिठो कमेंट कर दिनुहोस् अनि महादेव थर्क दर्शन गर्नुहोस् तो वाटरफल्स को पार्ट से कस्तो छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा विशेष कमेंट गर्नुहोस् हैन ल फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लग में तब तक के लिए बाय बाय नेक्स्ट ब्लग भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा गाइस आज के लिए इतने फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लग में गाइस बाय बाय।